सब्सक्राइब करें जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पाया ही है कि क्या हो एग्जेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो आइए आज उसी पर हम लोग ने वीडियो बनाई है। विस्तार में जानेंगे कि 40AD, 44ADA, 44AE की क्या प्रेजेंटिव टैक्सेशन के स्कीम में क्या इन सनों का महत्व है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको देश की इनकम टैक्स की टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहे। तो चलते वीडियो में। व्हाट प्रेजेंटिव टैक्सेशन इनकी 44AD, 44ADA, 44AE। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले 44AD में प्रेजेंटिव स्कीमों में आयकर अधिनियम अनुसार व्यवसाय या पेशे में लगे व्यक्ति खाते की नियमित पुस्तकों बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे हम लोग जाते बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसके अलावा उससे अपने खातों का ऑडिट भी करवाना होता है, जैसे हम लोग सीए वगैरह से ऑडिट करवाते हैं। छोटे करदाता को इस काम से राहत देने के लिए आयकर अधिनियम ने धारा 44AD, 44AD और 44AE के तहत कराधान योजना तैयार की है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन न रहे, इसलिए इन तीनों सेक्शनों को बनाया गया है। आइए जानते हैं तीनों सेक्शनों के बारे में। नीचे प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD, 44AD में क्या बताया गया। धारा 44AD में कराधान योजना किसी भी व्यवसाय में लगे छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए डिजाइन की गई है। 44AD माल वाहनों को चलान किराए पर लेने या पट्टे पर देने व्यवसाय को छोड़कर, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग वाहनों का जो किराया, जैसे किसी वाहन को किराए पर चलाने के लिए पट्टे पर देने के लिए जो किराए पर देते हैं अपने वाहन, उन वाहनों को छोड़ के उसमें 44AD में वो जाता है व्यापारी, जो मतलब व्यवसाय जाता है। 44AD में ये कवर नहीं होगा आपका, जैसे किसी रेंट पर किसी का गाड़ी ले ली चलाने के लिए, ठीक है, या किसी गुड्स कैरिज फ्रेट वगैरह होते हैं, फॉरवर्डिव फ्रेट भाड़ा वाला, तो ये 44AD में कवर नहीं होता है, वो दूसरे सेक्शन में होता है। उसके बाद हम लोग आगे जाने के, तो उस इन तीनों को छोड़ के वाहन को चलाने किराए पर लेने पट्टे व्यवसाय को छोड़कर बाकी सब चीज उसमें जा सकते हैं 44AD में। ठीक, 44AD में, 44AD में क्या कौन जा सकता है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD कैन बी अडॉप्टेड बाई फॉलोइंग पर्सन। तीन तरह के पर्सन जा सकते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, HUF हो सकता है, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, नॉट LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसमें नहीं आते। तीन आते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, HUF और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आगे क्या बताया गया इसमें। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD कैन बी अडॉप्ट द एलिजिबल पर्सन द इफ द टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव टू नॉट एक्सीड 2 करोड़। इसका मतलब क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है 44AD में वही पर्सन जा सकते हैं जिसका ग्रॉस रिसीव ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ से सालाना कम हो इन द, बट इफ टोटल टर्न ग्रॉस रिसीव ऑफ द बिजनेस एक्सीड 2 करोड़ देन स्कीम सेक्शन 4 कैन नॉट बी अडॉप्टेड। अगर आपको 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तो आप इस स्कीम के लिए मतलब आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, इस स्कीम को ले नहीं सकते अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा रिसीव्ड होती है। अब इन केस ऑफ पर्सनल अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD इनकम इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजम्प्टिव बेसिस द रेट ऑफ 8% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीव्ड ऑफ द एलिजिबल फॉर द ईयर। अगर आप ये सेक्शन 44AD अडॉप्ट कर लेते हैं और आप अब रिटर्न भी फाइल करते हैं इनकम टैक्स, जिसमें आप मिनिमम या कुछ कह दीजिए मिनिमम 8% प्रॉफिट लेने, ये आपको इसकी ये बाउंडेशन है। अगर 8% से आप कम लेते हैं प्रॉफिट तो आप इसके लिए मतलब ये स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसमें दूसरी स्कीम और है, इसमें आप 6% भी ले सकते हैं, उसको हम नीचे पढ़ें। इन ऑर्डर द प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड स्मॉल
अनएंगेज्ड बिजनेस टू एक्सेप्ट पेमेंट सेक्शन 48 इज अमेंडमेंट विद द इफेक्ट फ्रॉम द 17/17/18 टू ग्रो द स्मॉल बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 6% इंसर्ट इन टी टी 8% ग्रोथ सिटी इज रिसीव्ड बाय अमाउंट पे चेक अमाउंट डीडी। इसका मतलब ये है दोस्तों, असेसमेंट ईयर 17/18 से अमेंड हो चुका था कि अगर आप किसी फाइनेंशियल में डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से अपना रिसीव या ग्रॉस टर्नओवर लेते हैं तो उसमें आप 44 सेक्शन अडॉप्ट करते हैं तो उसमें 6% भी आप ले सकते हैं सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन पे। अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटल के माध्यम से नहीं करते तो आप 8% लेंगे। अगर आप टोटल डिजिटली पेमेंट जैसे RTGS, NFT, UPI, गूगल पे, फोन पे वगैरह इन सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, पे चेक DDJ उसमें नहीं आते आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन में, ठीक। तो आपको ये 6% में हो जाएगा और अगर आप टोटल कैश करते हैं तो आपको 8% देना पड़ेगा, आप 6% में नहीं जा सकते। तो जो 44AD की डेफिनेशन है, अब 44AD और 44AE की जो डिटेल है आगे हम लोग दूसरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको उसको ब्रीफ में कि 44ADA किसके लिए है और 44AE किसके लिए। आई होप आपको 44AD बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से रिवीजन दे देता हूँ। 44AD में ये बताया गया है कि आयकर अधिनियम अनुसार जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ये 44AD या 44AE के प्रावधान इनकम टैक्स 1961 में लागू किए गए हैं। 44AD का मतलब ये है जो व्यक्ति जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है और वो अपनों डिजिटली माध्यम से पेमेंट करता है तो उसको 6% ले सकता है मुनाफा मिनिमम, और जो नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है वो 8% ले सकता है और मिनिमम 2 करोड़ का होना चाहिए। और कौन कौन ले सकते हैं ये इंडिविजुअल ले सकते हैं, रेसिडेंट हिंदू हिंदू वाली फैमिली ले सकते हैं, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म ले सकते हैं, नॉट LLP ले सकते हैं। सिर्फ 3 तरह की कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे मैंने बताया आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके समझ में आ गई हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें वीडियो में जाने से पहले, जिससे आपको इनकम टैक्स और GST टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।